नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर अब ताजा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें, लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हेल्थ अपडेट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कल्याण सिंह के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि कल्याण सिंह की तबीयत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह के पोते से फोन पर बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, मैं ये बात सुनकर बेहद भावुक हो गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत के दौरान यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये बात उनके दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी के साथ मुलाकात और बातचीत की कई यादें उनके दिल में भी हैं। इन्हीं में से कई बातें और स्मरण भी उन्हें याद आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनसे बात करना हमेशा से ही कुछ ना कुछ सीखने वाला रहा है। इस बीच कल्याण सिंह के निधन की खबर को उनके पोते संदीप सिंह ने भ्रामक और महज एक अफवाह बताया। संदीप सिंह ने लोगों से कहा कि इन खबरों पर ध्यान ना दें। उन्होंने लोगों से इस तरह की खबरों पर ध्यान ना देने की अपील की है। संदीप सिंह का कहना है कि बाबूजी फिलहाल स्वस्थ हैं और जल्द ही घर लौटेंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर कल्याण सिंह के निधन की खबर वायरल हुई थी, जिसके बाद उनके पोते संदीप सिंह ने ये रिएक्शन दिया है। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को कल्याण सिंह से मुलाकात की। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अस्पताल पहुंचकर कल्याण सिंह का हालचाल जाना था। पिछले दो हफ्ते से हॉस्पिटल में भर्ती कल्याण सिंह से मिलने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को लखनऊ आए थे। देर शाम नड्डा एयरपोर्ट से सीधे SGPGI पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ और कई अन्य बीजेपी नेता इस दौरान जेपी नड्डा के साथ मौजूद थे। नड्डा ने कहा कि हम सब कल्याण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। दवाओं का उन पर बहुत बेहतर असर दिख रहा है। हमारे वरिष्ठ नेता सम्मान्य कल्याण सिंह जी को उनके स्वास्थ्य यहाँ SGPGI में वो कर रहे हैं, तो उनको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारी इच्छा थी कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करें। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित थे, तो हम आज दिल्ली से आए इस कार्यक्रम के लिए। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष जी भी उनको देखने के लिए आए, और साथ में योगी जी और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी और सभी मंत्रीगण थे। यहाँ उनके साथ मुलाकात में ध्यान में ऐसा आया कि उनकी तबीयत में वो स्टेबल हैं और सुधार तीव्र गति से हो रहा है। कल जो उनकी तबीयत थी उससे आज काफ़ी बेहतर थे, और डॉक्टर्स के साथ जैसी बातचीत हुई तो ध्यान में आया कि वो मेडिसिंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और हम सबको विश्वास है कि वो जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। ईश्वर से हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द उनका स्वस्थ लाभ हो और वो फिर से सामाजिक जीवन में और उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहे। आपको बता दें कि 89 साल के कल्याण सिंह का इलाज लखनऊ के PGI में चल रहा है। बता दें कि उन्हें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के बाद 3 जुलाई को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के ICU में शिफ्ट कर दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।